नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजधन एप्लीकेशन के बारे में कि रोजधन एप्लीकेशन की पैसे निकालने की जो लिमिट होती है वो कम कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लिमिट जो है वो कम करके बताऊंगा भी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप जो है वो रोजधन एप्लीकेशन की पैसे निकालने की लिमिट कैसे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, रोजधन एप्लीकेशन की जो नॉर्मल लिमिट होती है वो 200 रुपए होती है। जब तक हम रोजधन एप्लीकेशन में 200 रुपए नहीं कर लेते, तब तक हमारे रोजधन एप्लीकेशन के रुपए जो है वो पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी रोजधन एप्लीकेशन चलाते हैं और आपके 200 रुपए अभी पूरे नहीं हुए हैं, या फिर आपने 200 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, उसके बाद आपके रुपए जो है वो अभी 200 नहीं हुए हैं, कुछ कम है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रोजधन एप्लीकेशन में जो है वो पैसे निकालने की लिमिट को कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, यहाँ तक कि 100 रुपए अमाउंट जो है वो पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर करने का मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यह जो सुविधा है यह रोजधन एप्लीकेशन खुद ही हमें दे रहा है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें यदि आप रोजधन एप्लीकेशन के पैसे निकालने की लिमिट को कम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को भी लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि रोजधन एप्लीकेशन की पैसे निकालने की जो लिमिट होती है वो हम कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे मैं रोजधन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजधन एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो रहा है। तो चलिए इसे ओपन हो जाने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पैसे निकालने की जो लिमिट होती है वो कैसे कम करना है। तो यहाँ पे मेरा नेट जो है वो बहुत ही स्लो है और यह एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा समय ले रहा है, और यहाँ पे है ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यदि आपने अपना रोजधन एप्लीकेशन अपडेट कर लिया है, आपके रोजधन एप्लीकेशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं डेली टास्क जो है वो भी अपडेट हो गए हैं, तो फ्रेंड्स आप जो है वो पैसे निकालने की लिमिट जो है कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे ओपन भी नहीं किया था, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम अपने पैसे निकालने की लिमिट को कम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे यहाँ पे 200 रुपए की जो है मिनिमम लिमिट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 200 रुपए की मिनिमम लिमिट है। अब इस लिमिट को जो है वो यहाँ पे हमें कम कैसे करना है, यानी कि और भी लिमिट हमें यहाँ कैसे जोड़ना है जो 200 रुपए से कम हो। तो उसके लिए फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से मैं बैक हो लेता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली टास्क चलते रहते हैं, बराबर यहाँ पे बदल बदल के आते रहते हैं। जैसे ही रोजधन एप्लीकेशन में कुछ नया आता है तो हमें अपने आप ही यहाँ पे मिल जाता है, या फिर जैसे हम रोजधन एप्लीकेशन को जो है वो अपडेट करते हैं तो यहाँ पे जो डेली टास्क नए आते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पहले दिन चेक किया, दूसरे दिन चेक किया, और अब यहाँ पे तीसरा दिन है। तीसरे दिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पहिया यानी भील यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक इन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम चेक इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 सिक्के जो है वो मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसे जो है वो काट देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर आपको एक बॉक्स भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ भाषा अलग आ रही है, तो इसमें मैंने ट्रांसलेट करके देखा है, इसमें यही लिखा हुआ है कि आप 25 रुपए तक निकालने का जो है वो चांस यहाँ पे आपको मिल सकता है, 25 रुपए भी निकालने का। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ तीसरे दिन पर यह भील घूम रहा है, इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए, उसके बाद 4 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन, 30 कॉइन, इस प्रकार से यहाँ पे इस स्पिनर में जो है वो आपको कॉइन्स भी मिलते हैं और रुपए भी मिलते हैं। यानी रुपए मिलते नहीं है, यहाँ पे जो रुपए बने हुए हैं यह लिमिट जो है वो हमें पैसे निकालने की मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हर तीसरे दिन और सातवें दिन यह लकी स्पिनर हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे घुमाना कैसे है उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे ये कुछ अलग ही भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो हमारा भील जो है वो घूमने लगता है। देखिए मैंने टैप कर दिया है और हमारा भील जो है वो घूम रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 रुपए पे ये भील जो है वो रुक गया है, और यहाँ पे हम 100 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो विड्रॉ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं विड्रॉ पेज पर पहुंच जाएंगे। पहले 200 रुपए यहाँ पे ये वाला था, लेकिन अब यहाँ पे 100 रुपए और जुड़ गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके लकी स्पिनर में जितने भी रुपए
सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका लकी स्पिनर जो है वो जहां भी रुक जाता है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। 100 रुपए पे यहाँ पे देखिए मेरा लकी स्पिनर रुका हुआ था, तो यहाँ पे 100 रुपए की लिमिट हमें यहाँ पैसे निकालने की मिल गई है। उसके बाद यदि 1 रुपए 2 रुपए या 3 रुपए 5 रुपए जितने पे रुक जाएगी आप उतने पैसे जो है अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 200 रुपए पहले ही ट्रांसफर कर लिए थे, उसका वीडियो भी मैंने बनाया था और यहाँ पे आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया है कि पैसे निकालने की जो है वो लिमिट कैसे कम करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है वो पैसे निकालने की लिमिट कम कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपको तीसरे दिन और सातवें दिन जो है वो मिल जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सातवें दिन भी लकी स्पिनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है वो पैसे निकालने की लिमिट को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो हमें कमेंट करें और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स चलता हूं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।